देख तेरे भरोसे पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे, बहुत मज़े में होंगे। और ये लीड का तार का आ रहा है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मैंने कर दी है। और आज दिन में बड़ा कंफ्यूज, सैटरडे है, हाँ सैटरडे, आज मॉर्निंग में ही मैंने देखा था। और आज मैंने आंखों में लगाई है लाइनर। तो कभी कभी लाइनर लगा लेती हूँ, बिंदी लगाना भूल गई हूँ, लगा लूँगी। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, लेके चलती हूँ। और लेकिन उससे पहले थोड़ी सी अपने चेहरे पर लेके स्माइल और साथ में थोड़ा सा प्यार, मेरे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ठीक है? चलो आओ एक चीज़ दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हमारे घर के जो एक और डॉगी है ना, उनसे भी आप लोग मिल लीजिए, काफ़ी दिन से नहीं मिले थे। तो यहाँ पे नहाना हो रहा है, डॉग्स लोगों का नहाने की पार्टी हो रही है। तो ये देखिए, ये है वो हम लोग का एक और डॉग्स, जिसका नाम कि जेम्स है। और ये बड़ा वाला डॉग है, मतलब कि इसकी उम्र हो चुकी है, मतलब 10 साल से ज़्यादा इसकी उम्र हो गई है, फिर भी ये अभी तक चल रहा है सही सलामत। और बहुत ही अच्छा है ये डॉग, जेम्स नाम है इसका। तो ये देखिए, ये नहा चुका है। और मैक्स जी हमारे नहाने में इतना आना कानी, इतना उसको जो है मुंह वो रहता है, नहाने से परेशान रहता है कि पूछो नहीं, नहाने के लिए तो फौरन भाग जाता है। और ये इतने आराम से नहा रहा था खड़ा होकर, वही मैंने कहा कि बताओ ये कितने आराम से नहा रहा। और इसको देखो, मटर टमाटर की चटनी जरूरी, हम आलू आलू मटर आलू बनाएंगे, आलू टमाटर कभी कभी सादा में सादा खाओ। इसको ऐसे छन्नी ना रखा कहीं, इसीलिए तो कट जाती है। दाल चावल डाल देना, दाल चावल नहीं, हमको आलू टमाटर की सब्जी खाना। मसाला खाओ यार, तभी तुम्हारा जल रहा है, कह रही हूँ। अरे हमको मन है यार, हम अपने पसंद का नहीं खा सकते क्या? लीजिए अपना चीज पकड़िए, लेके जाइए। मैच भी चल रहेगा आपकी? हाँ भाई, चलो हम भी थोड़ा बहुत कुछ उसमें से पाएंगे ही, कुछ ना कुछ। आ रहे हैं, ये देखो भैया खाना लेने मैक्स जा रहे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने सुना तो वैसा ही हो रहा है, मतलब कि मैं बना रही हूँ मटर टमाटर की चटनी। इनके लिए चावल चढ़िए एक तरफ, आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ अपने लिए, और साथ में थोड़े बहुत पराठे सेक दूँगी इनके लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था आलू टमाटर की सब्ज़ी। और चावल मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो बस वही बना रही हूँ। तो लास्ट बस पराठा बनाना बचा है, तो वो बना लेते हैं। ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मेरे घर में सिर्फ सारा समय टीवी में तारक मेहता ही चलता रहता है, और कुछ भी ये देखते ही नहीं। तो तारक मेहता ही देख रहे हैं, खुशी वाला एपिसोड आ रहा हो, मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। थोड़ी सी काली दिख रही हूँ क्योंकि लाइट मैंने पूरी नहीं जलाई है, और थोड़ी सी चाय पत्ती भी मैंने ज़्यादा कर दी है। और मैक्स बहुत ज़्यादा गुस्सा है, भूख रहा है। कोई और सीरियल भी देख लीजिए, खुशी खुशी तारक मेहता ही देखते रहते हैं। इसको मैक्स भी देखा करे तारक मेहता। गधा मैक्स, तेरी आंखें चमक रही है। गधा मैक्स, तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है आजकल? दिमाग मग सही है? कभी हरी आंखें दिखती है तेरी, तो कभी क्या दिखती है?
शाम का समय हो गया, हल्का फुल्का स्नैक्स में कुछ बनाने का सोच रही थी, तो हल्का फुल्का जो भी बना रही ना वो शेयर कर रही हूँ। बेसन का चिल्ला बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी और साथ में डाल दूँगी प्याज और मिर्च ख़त्म हो रखी है, वरना मैं मिर्च ज़रूर डालती हूँ क्योंकि आप तो जानते हो मैं मिर्च ज़्यादा खाती हूँ। तो बस इन्हीं चीज़ों को डाल के बना लेंगे। आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हो इसमें। चिल्ला ऐसा चीज़ है ना कि इसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल्स जाते हैं, जैसे कि कैप्सिकम हो गया और टमाटर हो गया, गाजर हो गया, तो ये सब चीज़ें भी इसमें डाल सकते हो। बट मेरे पास है कैप्सिकम बट मैं नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ प्याज डाल के ही इसको बनाते हैं। मुझे नहीं पसंद है इसमें कैप्सिकम का टेस्ट उतना, तो इसलिए मैं सिर्फ प्याज डाल के बना रही हूँ। और बस इसका घोल बना लेना है, एक अच्छा सा घोला मैं इसका बना के तैयार कर लेना है। यहाँ तवा गर्म होने के लिए रख दिया, तो हल्का सा इसमें ऑयल जुआ देंगे और बस जो घोल बनाया है मैंने बेसन का उसको जो है इसमें डाल के पराठे की तरह फैला देंगे अच्छे से और सेक लेंगे दोनों तरफ से। बस हमारा चिल्ला बन के रेडी है। बहुत टेस्टी और यम्मी लगता है, इसको आप चटनी के साथ खा सकते हो। मेरे पास चटनी तो नहीं है, लेकिन जो आप चटनी जिस भी चटनी के साथ खाना चाहे उसको खा सकते हो आराम से। यम्मी और टेस्टी लगता है। उसको देखो चम्मच की मदद से ना इस तरह से फैला देंगे ना, तो ये इसको ना वेज ऑमलेट भी बोलते हैं बहुत लोग। तो आप इसको जो भी नाम देना चाहो, बेसन चिल्ला बोलना चाहो, वेज ऑमलेट बोलना चाहो, जो भी बोलना चाहो, दोनों में से एक चीज़ इसको बोलते हैं। तो आप लोग क्या बोलते हो वो ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना। और चलो इसको बना लेते हैं, फिर खावा लेते हैं, फिर आप लोग भी बनाना ट्राई करना और कौन कौन बनाया है मुझे ये भी बताना। ऐसे कभी कभी नया नया स्नैक्स बनाते रहो तो थोड़ा अच्छा लगता है ना शाम के नाश्ते में। तो बस बना लिया है। तो शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं बाहर। और बाहर फ्रेंड्स वहाँ पे तिराहे पे ना होलिका जलाने के लिए लकड़ियाँ जमा होनी शुरू हो गई है। मैंने सोचा कैप्चर हो जाएगा बट बहुत दूर था तो उतना कैप्चर नहीं हो पाया। आपको हल्का हल्का शायद दिख रहा हो चौराहे पे रखा हुआ है होलिका जलाने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ले लेते हैं कैमरे में बाहर का नज़ारा। मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने, क्योंकि वो बनाना ज़रूरी है, मजबूरी भी है, वरना खाएगी नहीं तो पेट कैसे भरेगा। तो बस जा रही हूँ खाना बनाने। मेरा सर आज दर्द हो रहा है, बड़े दिन बाद हुआ, उधर भी हो रहा था फिर आज दर्द हुआ है, क्योंकि मैं सो नहीं पाई हूँ, क्योंकि टीवी चलाते रह गए दिन भर तो मैं सो नहीं पाई। मुझे थोड़ा सा सोना मुझे ना बहुत ज़रूरी रहता है दिन में, वरना मेरे सर में ना दर्द होने लगता है। उसको देखो, उसको देख कैसे पागलपन कर रहा है, ये कैसे पागलपन कर रहा है। नो नो मैक्स नो 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 गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय नो कह रहा है, मान जाता है, सीख रहा है थोड़ी देर सब कुछ। अच्छा ले ले ले। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ, अजीब सा दिन में सो नहीं तो अजीब सा लगता है ना, नींद बहुत आती है, तो वैसे ही मुझे भी फील हो रहा है। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर जी हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किया था, मतलब भाई हैं एक, वरुण जी करके नाम है उनका, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि आप अपने ब्लॉग में खुश हो के बात किया करिए तो अच्छा लगेगा। तो मैं बड़ी उलझन में फंसी हूँ, कुछ लोग कहते हैं खुश हो के बात करो, कुछ लोग कहते हैं नॉर्मली बात करो। फ्रेंड्स जब मैं खुश हो के बात करती हूँ ना तो लोगों को लगता है मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, तो इसलिए मैं खुश होकर बात नहीं करती हूँ, नॉर्मली ऐसे होकर बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। क्या करूँ, आप लोग को मेरी हर चीज़ ओवर एक्टिंग ही लगती है, कोई भी चीज़ सच्ची नहीं लगती, तो मैं क्या करूँ। और कहते हैं ना जो सबसे ज़्यादा सच बोलता है सच्चाई के रास्ते पे होता है, इंसान उसी को गलत समझता है, ये बात हकीकत है। अगर मैं झूठ के रास्ते पे होती ना तो आप लोग मुझे सच समझते, मेरी हर बातों को सच समझते और सब चीज़ को सच मानते, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना वक्त जब ख़राब होता है तो दुनिया जो है सब जो है बुरा ही समझते हैं, तो वैसा ही है। और
अब मैं करती हूँ अपने इस ब्लॉग का एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, और मेरे चैनल को अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन के बगल में जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा, उससे ये होगा ना जैसे मैं वीडियो अपनी पब्लिक किया करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुरंत, तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने नहीं किया है। मैंने चेक किया था तो उसमें बता देता है कितने लोगों ने नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाया है, तो आप लोग प्लीज़ दबा लीजिएगा। और व्यूज़ मेरे दिन पे दिन वैसे भी घटते ही जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, फिर भी अब मैं करती हूँ ब्लॉग का एंड, ठीक है, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।